असलम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज़ से अशोक ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड रिटर्न के इनोवेटिव आइडिया को अशोका के नाम पे इम्प्लीमेंट होते जो है उस पर हमने बात की इस सेशन में हम डेवलपिंग कंट्रीज से हमारे अपने रीजन से एक के स्टडी जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में सोशल एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ को इनोवेटिवली इंप्लीमेंट करके चेंज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं आप इसके स्टडी uh, से बिल्कुल वाकिफ़ हैं मैं बहुत दफ़ा इसको कोट करती हूँ और ओवर द कोर्स मेरा ख्याल है अभी इसको हम कई बार और भी कोट करेंगे ग्रामीण बैंक हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में डॉक्टर मोहम्मद यूनिस का जिक्र किया था और मैंने आपसे उनकी छोटी सी एक कहानी शेयर की थी कि किस तरह बांग्लादेश के देहातों में वो एक रिसर्च के लिए गए और उन्होंने देखा कि औरतें जो हैं वो सूद पर कर्ज़ा लेकर छोटे छोटे बास्केट्स और बांस का फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें बनाती थीं लेकिन जो भी वो प्रॉफिट कमाती थीं वो सूद अदा करने में उनका चला जाता था और वो खुद औरतें और उनकी फैमिलीज़ फिर पॉवर्टी में उसी तरह से रहती थीं डॉक्टर यूनस ने सोचा कि अगर इन औरतों को बगैर सूद के कर्जा मिल सके तो शायद जो मुनाफा ये कमाएं उससे इनकी हालत बेहतर हो जाए और आपको याद होगा उनके पास अपने ज़ाती सत्ताईस डॉलर थे जिनसे उन्होंने बयालीस औरतों को कर्जा दिया बैंक इन औरतों को कर्जा नहीं देते थे क्योंकि इनके पास कोई कोलेटरल कोई गारंटी कोई चीज़ नहीं थी जो वो बैंक के पास जमानत के तौर पर रखवा सकती डॉक्टर यूनस ने अपने ज़ाती पैसों में से उनको कर्ज़ा दिया उनको यकीन था कि अगर थोड़ा सा हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और औरतें मेहनत करेंगी तो वो ये कर्ज़ा वापस करने के ज़रूर काबिल होंगी और ऐसा हुआ औरतों ने उस कर्ज़े में से मुनाफा कमाया और उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर यूनस के पैसे वापस किए बल्कि उन्होंने अपना अगला काम जो है उसमें भी इन्वेस्ट किया या अपनी फ़ैमिली के ऊपर खर्च किया और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई डॉक्टर यूनस ने सोचा कि यही तरीक़ार जो है वो बाकी वेलेज की लाइफ को भी बेहतर बना सकता है मसलन जब खुश साली होती है तो ज़मीनें खाली पड़ी हैं जमींदार जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है खुश्क साली में ज़मीनों पर खर्च करने की लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं जो मज़ारे हैं उनका तो बुजुर्क ज़मीनों पर होता है काम करके तो उन लोगों के पास ज़राए और वसायल नहीं हैं जिनसे वो उन ज़मीनों पर काश्त कर सकें तो डॉक्टर यूनस ने औरतों की तरह फार्मर्स को छोटे जो मज़ारे हैं उनको कर्जे दिए बीज खाद ख़रीदने के लिए और ज़िम्मेदारों को इस बात पे कन्विंस किया कि अगर आप इन लोगों को अपनी ज़मीन पर काश्त करने देंगे तो हम फसल के तीन हिस्से कर लेंगे एक हिस्सा आपको जाएगा एक किसानों को जाएगा और एक जो कर्जा हम आपको देंगे उसकी अदायगी के लिए खर्च होगा अगेन ये भी एक तजुर्बा कामयाब रहा और इस तरह डॉक्टर यूनस को हम माइक्रो फाइनेंस के आइडिया का बानी जो है वो करार देते हैं सो so, अब हम इसको आइडिया इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज के टाइम में एनालाइज़ करते हैं कि किस तरह ग्रामीण बैंक जो है वो एक आइडिया से शुरू हुआ आइडिया क्या था कि डॉक्टर यूनस जिन दिनों बांग्लादेश में कहत पड़ा हुआ था देहातों में पॉवर्टी रिडक्शन पर काम कर रहे थे कि किसी तरह से देहातों से ग़ुरबत को कम किया जा सके सो आइडिया वॉज़ पॉवर्टी रिडक्शन ग़ुर्बत को कम करना और कोई सोच नहीं सकता जैसे आज पाकिस्तान में तकरीबन 25 फाइव परसेंट पापुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है इसी तरह बांग्लादेश की एक बड़ी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से निकाला जा सकता है सो इट वॉज लाइक ग्रेट आइडिया लेकिन कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इनोवेशन क्या थी माइक्रो फाइनेंसिंग छोटे छोटे कर्जे जिनके लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं है किसी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ग्रुप है लोगों का जो एक दूसरे की गारंटी भी है एक दूसरे का हौसला भी हैं एक दूसरे के साथ कलेबोरेट भी कर रहे हैं मिल काम करते हैं ये इनोवेशन जो थी कि माइक्रो फाइनेंस जो कि ऐसे लोगों के लिए पोरेस्ट ऑफ द पोअर के लिए हो जो कि रेगुलर या ट्रेडिशनल या बैंक के कर्जे अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं हासिल कर सकते और अपॉर्चुनिटी क्या थी इट वाज जैसे मैंने पिछले मॉड्यूल में कहा था कि कोई भी सोसाइटल शिफ्ट जो है कोई चेंज कोई इकनॉमिक चेंज कोई वाक़ा जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है तो वो जो बांग्लादेश में कहत पड़ा था वो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी बन गया इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए और वो छोटा सा जो एक्शन रिसर्च का प्रोजेक्ट डॉक्टर यूनस ने शुरू किया था देहातों में उसी दौरान उन्होंने वो कर्ज़े देने शुरू कर दिए और वो अपॉर्चुनिटी इतना फैली इट एंड अप बीइंग ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक जो गरीब लोगों को एक दूसरे की जमानत पर सॉलिडारिटी ग्रुप्स की जमानत पर कर्जे देता है उनसे कोई कोलेट्रल नहीं लेता उनसे कोई उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेता और लोग जो हैं ग्रामीण का रिकवरी रेट बहुत हाई है औरतें ना सिर्फ काम करके वो कर्जे वापस करती हैं बल्कि बांग्लादेश में पॉवर्टी में क्लियरली कमी आई है बहुत सारी तकरीबन 40 मिलियन फैमिलीज़ जो हैं वो बेनिफिट हुई हैं ग्रामीण बैंक के माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम से इट हैज़ बिकम दैट बिग अपॉर्चुनिटी तो एक छोटा सा आइडिया के पॉवर्टी को कम करना है एक छोटी सी इनोवेशन के बड़े कर्जे और बैंक और सूद ये सारा कुछ जो है ये काम नहीं करेगा हमें इसके वे अराउंड कोई रास्ता ढूंढना है उसने एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कि बांग्लादेश के इस वक्त तकरीबन 90 परसेंट देहात जो हैं उनमें ग्रामीण बैंक के ग्रुप्स मौजूद हैं वो कर्ज़े ले रहे हैं अपनी जिंदगियों को बेहतर बना रहे हैं और कर्ज़े वापस भी कर रहे हैं ये मॉडल इस वक्त सारी दुनिया में पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और वनरेबल ग्रुप्स जो हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है थैंक यू